सभी भक्त जनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण आसन बताने जा रहा हूं। इस आसन को पद्म मकर आसन कहते हैं। यह करने में भी बहुत आसान है और बहुत ही लाभकारी है। कमर के लिए, पीठ के लिए और गर्दन के लिए, यह वरदान सरिखा घुटने के लिए, ये जो चारों जो महत्वपूर्ण हैं, जिसे अधिकतर लोग पीड़ित हैं, घुटने से, कमर से, पीठ से और गर्दन से, यानी इससे संबंधित जो भी रोग हैं, आपको स्पॉन्डिलाइटिस है या साइनस है या बैक पेन होता है, रीढ़ की हड्डियों में दर्द है या आपको फेफड़े में कोई समस्या है, अस्थमा है, प्लोरोसिस है, ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया हो जाता है या रक्तचाप है, हाई ब्लड प्रेशर, चाहे लो ब्लड प्रेशर, या कमर में बहुत तीखा दर्द है, घुटने में दर्द है या सूजन है, भूख नहीं लगती है, भोजन ठीक से पचता नहीं है, अत्यधिक गैस बनता है, उसके लिए यह बहुत ही अच्छा है। और यह हाथों को भी ताकत देता है, जिसको बोलने में परेशानी होती है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो सिंपल सा आसन है, परंतु इसके बहुत ही लाभ हैं, इसलिए आइए हम इसको करते हैं, पद्म मकर आसन को। इसमें हम दोनों पैरों को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा लेते हैं, जांघ के ऊपर रख लेते हैं क्रॉस करके, जैसे कि पद्मासन करते हैं, और पेट के बल लेट जाते हैं। और पेट के बल लेट जाने के बाद दोनों हाथों से हम दोनों गालों को थाम लेते हैं और ऊपर की ओर देखते हैं। यह आंख के लिए भी बहुत लाभकारी है, इस वजह से एक टक हम ऊपर की ओर देखते हैं, इससे त्राटक भी हो जाता है, तो आंखों के लिए भी बहुत गुणकारी है। तो आइए देखते हैं, इसे आप 1 से 3 मिनट तक करें और 5 मिनट तक भी कर सकते हैं, खाली पेट ही करेंगे। पहले पैर को चढ़ा लेते हैं, विपरीत लेट जाएंगे, फिर कैविनेस हाथ को उठाकर सिर को गर्दन को उठाएं तो ऊपर देखेंगे। इसको करने के बाद आप पैर को फिर बदल लेंगे, यानी पहले बाएं पैर को दी आप चढ़ाए थे, फिर दाएं पैर को चढ़ा लेंगे और इस क्रिया को करेंगे और इसे भी उतनी देर करेंगे। तो इस तरह से पद्म मकर आसन यह पूरा हो जाता है। इसको करें और इसका लाभ उठाएं। ओम।